हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकवे सॉल्यूशन में। आज हम सीखेंगे कि आधार कार्ड में एड्रेस कैसे अपडेट करें ऑनलाइन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम गूगल पर डालते हैं uidai.gov.in पर जाते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं इसको। ये हमारा UIDAI का होम पेज है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं माय आधार पर। यहाँ पर हम चेक आधार, डाउनलोड आधार या फिर लॉस आधार या अपडेट हिस्ट्री, इस पर भी क्लिक करते हैं तो ये रिडायरेक्ट होकर माय आधार पे ओपन होता है, इसलिए हम चेक आधार स्टेटस पर क्लिक करते हैं। ये माय आधार का होम पेज है, यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं। यहाँ पर हम आधार नंबर इनपुट करते हैं, इसके बाद कैप्चर कोड पर क्लिक करते हैं, इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। यदि आपको कंफर्म नहीं है कि आपका आधार में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो हम आई बटन पे आपको वीडियो दे देंगे, आप उसके आधार पर आप नंबर जान सकते हैं कि आपका कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। OTP इनपुट करने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, ऑनलाइन अपडेट सर्विस पर क्लिक करते हैं, अपडेट ऑनलाइन आधार पर और प्रोसेस टू आधार पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस पर क्लिक करते हैं और प्रोसेस पे करते हैं। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया है। यहाँ पर हम एड्रेस अपडेट करते हैं, जो डॉक्यूमेंट में नाम लिखा है वह यहीं पर हम इनपुट करते हैं। इसके बाद हम एरिया पिन कोड डालते हैं, एरिया पिन कोड में हमारी जो पोस्ट रहती है वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर जो गूगल ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर लेता है वही होता है। अगर आप चाहते हो कि हमको यहाँ पर नाम सही करना है तो हमने आई बटन पे गूगल हिंदी इनपुट की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी पोस्ट सिलेक्ट करते हैं और एड्रेस अपडेट करते हैं। यहाँ पर जैसा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उस टाइप से टाइप करते हैं। इसके बाद तहसील डालते हैं, तहसील डालने के बाद हम नेक्स्ट बटन दबाते हैं। इसमें कुछ करेक्शन रहता है, हम पहले करेक्शन करके फिर नेक्स्ट बटन दबाते हैं। हिंदी इनपुट में कुछ मिस्टेक है, हम वो एडिट करते हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट सिलेक्शन करते हैं यहाँ पर, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये हमारा डॉक्यूमेंट है, इसको पहले वेरीफाई करते हैं जिसके बाद अपलोड करते हैं। ये हमारा फाइनली प्रूव रहता है, इसको हम चेक करते हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशन है UIDAI की वो एग्री करके नेक्स्ट बटन दबाते हैं। हमारा पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन है, इस पर एग्री करके हम मेक पेमेंट करते हैं। यहाँ पर हम नेट बैंकिंग सिलेक्ट करते हैं, आप चाहे तो UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास नेट बैंकिंग SBI की, इसलिए हम SBI नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं। फाइनली हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, ये हमारी UIDAI की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाता है। फाइनली हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और हमारे जो रिसिप्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, उस पर ये डायरेक्ट हो चुकी है। ये हम डाउनलोड कर लेते हैं। फाइनली हमारा आधार अपडेट हो चुका है। धन्यवाद।